आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। आशा भरी नारी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ग्रेस और मेरे साथ है वाणी, मेरी सहपरिचारिका। आजकल हमारा दैनिक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा भोजन के विषय पर केंद्रित है ना? स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, डाइट चार्ट, खाना पकाने के शो, रेस्टोरेंट, रेसिपी बुक वाली ये जो खाना पकाने वाली जो किताबें होती हैं, यूट्यूब वीडियो और फास्ट फूड उपलब्ध हैं। पूरा टेलीविजन नेटवर्क प्रकाशन यानी कि पब्लिकेशन, वेबसाइट और त्यौहार भोजन के लिए समर्पित हैं और इन माध्यम के द्वारा लोगों को ये निर्देश दिया जाता है कि इसे कैसे खरीदें, कैसे तैयार करें, कैसे परोसें, कैसे खाएं इत्यादि इत्यादि। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं या हम कितना कमाते हैं, क्योंकि हम सबको भोजन की ज़रूरत होती है और ये एक व्यापक सच्चाई है। दुनिया भर में जितनी भी संस्कृतियां हैं उन सब के खान पान का मुख्य पदार्थों में ब्रेड भी एक हिस्सा है। ब्रेड को सबसे पहले 10,000 BC में बनाया गया था और हम भारत में इसे चपाती या रोटी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आर्मेनिया में इसे लवाश, बांग्लादेश में लुची, कनाडा में बेजल्स, चीन में शाओबेंग और इथोपिया में इसे इंजेरा, ईरान में संगक और इटली में चाला या हाला कहा जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है लेकिन ये दुनिया भर के कई आहारों में से एक प्रमुख आहार है। सदियों से ये सभी आर्थिक और सामाजिक दर्जे के लोगों के लिए सबसे आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में से एक था। बिल्कुल सही कहा, रोटी एक अद्भुत चीज है। यीशु के समय की संस्कृति में रोटी पोषण की जरूरत समझी जाती थी। यहूदी लोगों के लिए भी इसका एक ऐतिहासिक महत्व रहा है जो परमेश्वर के जीवन देने वाले मन्ना की याद दिलाता है जिसने उसे उन लोगों को रेगिस्तान में जीवित रखने के लिए दिया था। रोटी शब्द का वर्णन बाइबल में लगभग 100 बार मिलता है। जी हाँ, 100 बार। यह उस सांसारिक भौतिक रोटी के बारे में है जो किसी के भी पास हो सकती है, लेकिन बाइबल रोटी का उपयोग एक रूपक के रूप में भी करती है दोस्तों, ताकि हमें आत्मिक जीवन और स्वयं परमेश्वर दोनों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। यीशु ने जानबूझकर रोटी को अपने रूपक के रूप में चुना। रोटी मांस की तरह नहीं है। हम तब तक मांस के बिना जीवित रह सकते हैं जब तक हमारे पोषण से जुड़ी जरूरतें पूरी होती रहती हैं, लेकिन रोटी हमारे आहार का एक जरूरी हिस्सा है। ये बिल्कुल सही है। दुनिया का हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसे कौन सी चीज से खुशी मिलेगी। हम सभी उस व्यक्ति, स्थान या चीज की तलाश में रहते हैं जो हमारी अपेक्षाओं, जरूरतों और चाहतों को पूरा करे। कौन सी चीज वास्तव में हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगी? जब हम बच्चे थे तो हमने ये सोचा कि ये आलू के चिप्स का जो बैग होता है, जिसे हम वेफर्स का बैग बोलते हैं, हो सकता है, या फिर एक नया साइकिल, नई वीडियो गेम या एक गुड़िया जिसे हम क्रिसमस के लिए चाहते थे। हमें लगा कि ये चीज़ें हमें खुश कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना? जब हम किशोर थे तो हमने सोचा कि अच्छे ग्रेड, खेलकूद की उपलब्धियाँ, कार या किसी रिश्ते में संतुष्टि मिलेगी, लेकिन इन सब बातों ने हमें निराश ही किया। युवा होने पर हम सोचते हैं कि एक बड़ा घर, बच्चे या बेहतर नौकरी हमें संतुष्ट रखेगी, लेकिन हम अभी भी और चाहते हैं। क्या ये सही नहीं है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं और ये बात मुझे पुराने नियम की वो कहानी से जोड़ती है जो मुझे पसंद है कि कैसे परमेश्वर ने जंगल में अपने लोगों को आकाश से दी गई रोटी को खिलाया था। इसे मन्ना कहा जाता था दोस्तों। यह यहूदी भाषा का एक शब्द है जिसका वास्तव में अर्थ है यह क्या है, क्योंकि लोग नहीं जानते थे कि यह क्या है। मन्ना को परमेश्वर ने 40 साल तक निष्ठा और प्यार से प्रदान किया था। यह परमेश्वर के लोगों को उनके जंगल में भटकने के दौरान जीवित रखता था। हर सुबह यह आता था। यह सफ़ेद रंग की एक पतली रोटी के जैसे होता था। यह सुबह की ओस के साथ बनता था और लोगों द्वारा अपनी ज़रूरत के मुताबिक इकट्ठा करने के बाद यह सूरज की गर्मी से पिघल जाता था। उन्होंने इसकी तुलना धनिये के बीज और शहद के स्वाद से की।
हर रात बिना खाया हुआ बचा हुआ सड़ जाता था। उसमें से बदबू आती थी और उसमें कीड़े पड़ जाते थे। लेकिन शुक्रवार के दिन अलग थे। शुक्रवार का मन्ना एक के बजाय दो दिन चलता था ताकि वे और अधिक एकत्रित कर सकें। इससे लोगों को शनिवार के दिन काम नहीं करना पड़ता था। वे आराम कर सकते थे, तरोताजा महसूस कर सकते थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते थे और अच्छी तरह से जी सकते थे। वे सबत का दिन उसे मानते थे। दोस्तों, मन्ना स्वर्ग की रोटी हमें ये स्वीकार करना सिखाती है कि परमेश्वर हमारी परवाह करता है और वो हमेशा देता है। हो सकता है कि हमें हमेशा हमारी उम्मीद के अनुसार न मिले, हो सकता है कि समय से न मिले, लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें केवल और केवल वही लेना है जिसकी हमें ज़रूरत है। लालच और स्वार्थ हमारी आत्मा में कीड़े पैदा कर सकता है। हमें कल फिर से देने के लिए परमेश्वर पर एक भरोसा और उससे उम्मीद रखनी चाहिए। हमें आज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे हमें केवल आज ही के दिन के लिए सोचना है। आशा भरी नारी होने के नाते हमें परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को पहचानने की ज़रूरत है। हमारी सांस और जीवन परमेश्वर का है। विश्वासियों के रूप में हम कहते हैं, मुझे केवल परमेश्वर ही चाहिए, लेकिन ये बात हमारी रोज़मर्रा के जीवन में हमेशा सच नहीं होती है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में यदि पूरापन यानी कि पूर्णता नहीं तो संतुष्टि ज़रूर चाहते हैं। हम विश्वास करना चाहते हैं दोस्तों कि परमेश्वर काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम पूरी संतुष्टि पाने के लिए कहीं और पीछा करते हैं या किसी और चीज़ का पीछा करते रहते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम सभी पूर्णता के लिए तैयार किए गए थे वास्तव में संतुष्ट होने के लिए, और यही कारण है कि हम में से बहुत से लोग इसके लिए तरसते ही रहते हैं। यदि हम बाइबल के शुरू में देखते हैं तो परमेश्वर ने हमारे रहने के लिए एक सिद्ध बिना किसी दोष के संसार की रचना की थी। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि उसने हमें पूर्ण संतुष्टि से घिरे रहने के लिए संसार बनाया। ये हर तरह से सुंदर, परिपूर्ण और संतोषजनक था। इसमें कोई उदासी, खालीपन या भ्रम भी नहीं था। हालांकि आदम और हवा ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चुनाव किया और उनके इस चुनाव के कारण पाप दुनिया में आया। अब हम एक खंडित यानी कि टूटे हुए, गिरे हुए और पाप से भरे हुए संसार में रहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस विषय में। हम जिस पतित संसार में रहते हैं उसमें संतुष्टि की जितनी अधिक इच्छा करते हैं और हमें उसकी उतनी प्यास होती है, हम उतने ही निराश होते चले जाते हैं दोस्तों, क्योंकि यह शुरू से ही हमारे दिलों में पैदा की गई इच्छा को कभी संतुष्ट नहीं करेगा। संतुष्टि की आवश्यकता हमारे जन्म होने के दिन से ही शुरू हो जाती है। हम एक खालीपन के साथ रह गए हैं और यह कभी पूरा नहीं होता। इस पतित संसार और पूर्ण संतुष्टि के संसार के बीच एक दरार है और यह हमेशा रहेगी, नहीं तो कभी भी हमें परमेश्वर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जरा इसके बारे में सोचिए दोस्तों, यदि हम जिन चीज़ों की खोज करते हैं वे सब हमें कभी निराश नहीं करती, हमें और प्यासा नहीं छोड़ती, तो क्या हम कभी परमेश्वर के लिए प्यास की आवश्यकता को महसूस कर पाते? हमें ऐसी आवश्यकता कभी महसूस नहीं होती। हम पहले से ही अन्य चीज़ों से भरे होते और हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। हम आनंद की खोज से अधिक के लिए बनाए गए हैं दोस्तों। कड़वी सच्चाई ये है कि अगर हम इसे संपत्ति या लोगों के जरिए से खोजना जारी रखते हैं तो हमें कभी भी राहत नहीं मिल सकती। संसार की वस्तुओं में संतुष्टि की खोज करना हवा का पीछा करने के समान होता है। एक बार जब हम अपनी खोज से अंततः थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो हम खाली हाथ और निराश ही रह जाते हैं। हम अक्सर कुछ नहीं का पीछा करते हुए अपना सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि हम सच्चे आनंद और शांति का पीछा कर सकते थे। तो असली समस्या है कहाँ, जरा सोचिए। अब ये मैं बताती हूँ, असली समस्या यह है कि हमारे दिल असंतोष की काल खोट रही हैं और हमेशा और अधिक चिल्लाते रहते हैं।
हम हमेशा खाते रहते हैं लेकिन फिर भी हम भूखे हैं, हमेशा पीते रहते हैं लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते। जीवन में असंतोष हमें सभी प्रकार के पापों की ओर ले जाता है। दोस्तों, लोग अपने जीवन साथी को धोखा क्यों देते हैं, सोच के देखिए। नशीले पदार्थों और शराब का दुरुपयोग क्यों करते हैं, बेवजह टीवी देखते हैं, फेसबुक ट्विटर पर लगातार स्क्रॉल करते रहते हैं, चोरी करते हैं या आत्महत्या करते हैं। यह सब और भी बहुत कुछ होता है क्योंकि लोगों को खुशी या संतुष्टि नहीं मिली। हमारे असंतोष का सबसे बड़ा कारण एक कभी ना खत्म होने वाली प्यास है, जिसे उस दुनिया में कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। हम ये सोचकर मूर्ख बनते चले जाते हैं कि एक बेहतर नौकरी, अधिक पैसा, अच्छे दोस्त, दूसरा जीवन साथी या एक नया जीवन वास्तव में हमारी आवश्यकता है, पर ऐसा है नहीं। पर अच्छी खबर ये है दोस्तों कि लोगों या संपत्ति से बड़ा कोई है जो वास्तव में हमें संतुष्ट कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, परमेश्वर स्वयं को मसीह के रूप में हमें देता है। यीशु हमारी उम्मीदों से बढ़कर है, हमारी जरूरतों और हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। केवल मसीह ही वह संतुष्टि और आनंद प्रदान कर सकता है जिसकी हम इतनी हताशा से तलाश कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन के लिए और अनंत काल के लिए उद्धार आवश्यक है। जब यीशु मसीह कहते हैं कि वह जीवन की रोटी है, तो वह कह रहे हैं कि वह आवश्यक और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक देने वाले के रूप में परमेश्वर की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक निर्गमन 16 उसके 2-4 में पाई जाती है। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी और इसराइली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो वही ठीक था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। एक और प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों, जब यीशु ने मत्ती 14:15-20 में 5,000 लोगों को भोजन कराया। जब शाम हुई तो उसके शिष्यों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर ताकि वे गाँव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले लें। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें मेरे पास ले आओ। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाएं। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और अपने शिष्यों को दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए, सब खा कर तृप्त हो गए। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरे। दोस्तों, 5,000 लोगों को भोजन कराने से पहले वो भीड़ की शारीरिक जरूरतों पर ध्यान देता है। वो यूहन्ना 6:5 में फिलिप्पुस से पूछता है, हम इनके लिए कहाँ से रोटी खरीदेंगे ताकि ये लोग खा सकें। एक बार जब शिष्यों ने एक लड़के को भोजन के साथ देखा, तो यीशु भीड़ की शारीरिक भूख को खिलाने के लिए, जो कि 5 रोटियों और कुछ मछलियों का उपयोग करता है, वो जानता था कि अगर वे भूखे होंगे तो वे ठीक से सुन नहीं पाएंगे। ये भोजन देना देखभाल का ही तो कार्य था और एक रिश्ते की शुरुआत थी, जहाँ वो उन्हें आत्मिक रूप से भी खिलाना शुरू करता है। दोस्तों, यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ को भी रोटी बहुत पसंद थी। यीशु ने अभी अभी 5 रोटियां और 2 मछलियां बढ़ाकर 5,000 से अधिक लोगों के लिए एक चमत्कारिक दावत दी थी और लोग अधिक रोटी की आशा में उसके पीछे हो लिए। शारीरिक रोटी के लिए उनकी भूख ने यीशु को आत्मिक रोटी के बारे में सिखाने के लिए एक क्षण या कुछ समय दिया। दोस्तों, वास्तव में इस भीड़ के लिए भोजन देने के अलावा ये बात उन्हें ये समझाने के लिए काफ़ी थी कि यीशु वास्तव में मसीह थे। जब उन्होंने इस चमत्कार को देखा तो उन्होंने कहा, ये वास्तव में दुनिया में आने वाले नबी हैं। जी हाँ, हम उन शरीरों में रहते हैं जिनकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है दोस्तों।
यीशु यह जानता और समझता था। वह धूल मिट्टी में चलता था और लोगों को मछली खिलाता था और अपने शरीर का प्रतीक होने के लिए रोटी तोड़ता था, रोटी को आपस में बांटता था। यीशु आत्मिक दुनिया के लिए सांसारिक दुनिया की उपेक्षा नहीं करता है। हमारी जरूरतें शारीरिक और आत्मिक दोनों ही होती हैं, और यीशु हमें जीने का एक बहुत उत्तम तरीका सिखाते हुए इन्हें पूरा करने की पेशकश करते हैं। पर यीशु वो पोषण है दोस्तों, जो हमें केवल हमारी भूख की पीड़ा को कम करने के अलावा भी संतुष्ट कर सकता है। वो वही है दोस्तों जो हमें उसके होने की आवश्यकता है, हमारे जीवन की रोटी, एकमात्र सहारा जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात। जबकि परमेश्वर का लोगों को खाने के लिए वास्तविक रोटी देना एक अविश्वसनीय चमत्कार है, और यह एक ऐसे परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी की गहराई से परवाह करता है। दोस्तों, यीशु यूहन्ना 6:32-35 में इसके अर्थ को और भी आगे ले जाते हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी देता है। परमेश्वर की सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत में जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हमें वह रोटी हर दिन दिया कर। यीशु ने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई मेरे पास आएगा वह फिर कभी भूखा ना होगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। दोस्तों, रोटी हमें आत्मिक भूख को समझने और यीशु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में उस प्रकार की भूख को संतुष्ट करता है को समझने में मदद करती है। आत्मिक भूख के बारे में बात यह है दोस्तों कि इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर के साथ संबंध के लिए उसी तरह की भूख को महसूस करें जैसे कि हम भूखे होने पर करते हैं जब हमारा पेट खाली होता है। अक्सर किसी और व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर के लिए हमारी आवश्यकता को बताने के बाद ही हमें एहसास होता है कि हमारी आत्मा किसी प्रकार की पूर्ति के लिए तरस रही है। इस इच्छा के बारे में सच्चाई यह है दोस्तों कि हम कभी कभी इस इच्छा को परमेश्वर के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता के रूप में समझाते हैं। हम उस इच्छा को कई तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता केवल परमेश्वर और परमेश्वर ही है। दोस्तों, यूहन्ना 6:35 इस पर प्रकाश डालता है कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मनुष्य की आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। इसका मतलब है कि यीशु हमारे शरीर, आत्मा और प्राण को संतुष्ट करता है। यीशु अपने अनुयायियों यानी कि पीछे चलने वालों के लिए शारीरिक समृद्धि का वादा नहीं करते। वह शारीरिक संतुष्टि से कहीं अधिक कुछ गहरा प्रदान करने में रुचि रखता है। यीशु हमें गहराई से संतुष्ट करने में रुचि रखते हैं। यीशु मनुष्य की आत्मा को हमेशा के लिए संतुष्ट करता है। ये शब्द मैं जीवन की रोटी हूँ मनुष्य की आत्मा की संतुष्टि के बारे में बात करता है। दोस्तों, भौतिक रोटी को शेल्फ लाइफ यानी कि एक निश्चित समय के लिए ही देखा जा सकता है, क्योंकि उतना ही उसकी अवधि होती है। इसलिए हमें दिन में कम से कम 3 समय भोजन की आवश्यकता होती है। यीशु आत्मा के लिए वह रोटी देते हैं जो अनंत काल तक चलती है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से ये आज मानव की खोज की सबसे बड़ी त्रासदी यानी कि दुखद बात है। हमें लगातार झूठ खिलाया जाता है कि कैसे एक घर, एक पति या पत्नी, एक कार, शिक्षा या एक स्वस्थ समुदाय संतुष्ट करेंगे कोई और चीज़ नहीं। हालांकि यीशु हमें स्पष्ट रूप से सिखा रहे हैं दोस्तों कि कोई भी भौतिक या शारीरिक वस्तु कभी भी यीशु द्वारा प्रदान की गई संतुष्टि की जगह नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि यीशु यूहन्ना 6:51 में कहते हैं, मैं वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है, जो कोई इस रोटी को खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। केवल यीशु मसीह प्रभु के द्वारा ही मनुष्य के लिए स्थायी रूप से संतुष्ट होना संभव है। दोस्तों, हम आराधना करने के लिए बनाए गए थे। हमारी आराधना का विषय वही है जो हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। आत्मा की पूर्ण संतुष्टि पाने के लिए यीशु के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यीशु कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता।
वास्तविकता ये है कि यीशु हमसे बेहतर जानता है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर मामूली तरीकों से आत्मिक पोषण के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। सूरज उगने के समय एक शांत सुबह की सैर, किराने की दुकान पर एक पुराने दोस्त से मिलना, हमारे दिमाग में अचानक आया एक गाना या बाइबल का कोई छोटा सा पद। बात यह है कि नियमित भोजन के विपरीत यीशु हमारे लिए मौजूद है। यीशु रोटी के विपरीत फफूंदीदार, बासी या समाप्त नहीं होता है। हमारे लिए यीशु का प्रेम स्वतंत्र है और हमेशा मिलने वाला है। किराने की दुकान से थोड़ा सा और यीशु लेने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास मेज पर पर्याप्त यीशु है, हमें कुछ घंटे फालतू काम करने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारी आत्मिक लालसाओं को हर समय संतुष्ट करने के लिए मौजूद है। दोस्तों, कई साल पहले लेनी वुल्फ ने एक सुसमाचार गीत लिखा था जिसका शीर्षक था, केवल यीशु ही आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। केवल यीशु ही आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं दोस्तों, और केवल वही है जो आपके हृदय को बदल सकते हैं और आपको संपूर्ण बना सकता है, और वही है जो आपको शांति देगा जिसे आप कभी नहीं जानते थे, मीठा प्यार और आनंद और स्वर्ग भी देगा दोस्तों। क्योंकि केवल यीशु ही आपकी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। प्यारी बहनों, दुनिया हमारी आत्मा की लालसा को पूरा करने की कोशिश करेगी। हम भले ही पूरी दुनिया को खोजते रहें, पूरी दुनिया में खोज करते रहें, लेकिन हम पहले जैसे ही रहेंगे। जब तक हमें परमेश्वर नहीं मिल जाता, तब तक हमें सच्ची संतुष्टि या प्रेम नहीं मिलता। एक दिन यीशु एक कुएं पर एक स्त्री के पास पहुंचे और उससे पीने के लिए पानी देने को कहा। गलील की गर्म धूल भरी सड़कों पर यात्रा का उसके शरीर पर असर हुआ और उसे तरोताजा होने की आवश्यकता थी। जब यीशु ने उस स्त्री से पानी मांगा तो वो ये भी जानता था कि उस स्त्री की जरूरत उसकी जरूरत से कहीं अधिक बड़ी है। जो पानी खींच रहा था उसे वास्तव में अधिक प्यास थी, और जो अपनी प्यास व्यक्त कर रहा था उसके पास वास्तव में अधिक पानी था। हालांकि यीशु ने अपने शरीर में प्यास का अनुभव किया, स्त्री ने अपनी आत्मा की प्यास का अनुभव किया। पिछले वर्षों में उसने रिश्ते के बाद रिश्ते बनाने से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की थी, फिर भी वो वास्तव में वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तरस रही थी। जब हम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते हैं दोस्तों, तो हम यीशु के लिए भूखे प्यासे होते हैं, जो कि है जीवन की रोटी। प्रार्थना में उसे खोजने से हमें पोषण मिलता है। उसके वचन को पढ़ने से हम अपनी आत्मा में आराम और अपने मन में शांति को पाते हैं। यीशु वह भोजन है जिसकी हमें हर दिन आवश्यकता होती है, और वह हमारी हर जरूरत को पूरा करने का वायदा करता है। वो जीवन की रोटी है। जब हम उस रोटी को खाते हैं तो हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। आइए हम एक साथ मिलकर उसकी धार्मिकता की तलाश करें। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमारे दिलों को शांति मिलती है और हमें आराम मिलता है। जब हम मानते हैं कि हमें केवल उसकी ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं जो उसने हमें स्वयं दी। जी हाँ बहनों, वो काफ़ी है। हमें जो सब चाहिए वो केवल यीशु है। जितना अधिक हम उसे जानेंगे, उतना ही अधिक हम उसके लिए भूखे और प्यासे होंगे। हमें चाहे किसी भी चीज़ की भूख हो, सब यीशु के साथ शुरू और समाप्त होता है, जो हमारे जीवन की रोटी है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको आज के कार्यक्रम के द्वारा आशीष प्राप्त हुई है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप एक मिस्ड कॉल मार दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर इसी समय भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।